सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सूद से मुतालिक एक सवाल मेरे पास आया है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि सूद का लेन देन मुसलमानों के दरमियान तो हराम है, लेकिन मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से सूद का लेन देन कर सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में जो बात है वो ये है कि दोनों तरफ माल मुसलमान का होना चाहिए तो सूद का लेन देन हराम होगा। ये खुद साख्ता नज़रिया है। सूद मुसलमान ले, चाहे मुसलमान से ले या गैर मुस्लिम से ले, उसका लेना नाजायज़ है। ये लोगों ने खुद ही चीज़ें बना ली हैं और फिर उस पर अमल भी करते हैं और समझते हैं कि हम हक और सच की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखें, सूद दो किस्म से होता है। कुरान करीम में जिस सूद का जिक्र है, रिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसके लिए, और रिबा कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत और कयास शरई यानी अक्ल व नकल, हर लिहाज से ये हराम कतई है। लेने वाला, देने वाला, गवाह लिखने वाला, सब गुनाह कबीरा में बराबर के शरीक हैं। अब सूद की जो दो किस्में उलमा ने बताई हैं कि एक तो कुरान करीम में जो आती है कि कर्ज पर कुछ इजाफा बतौर शर्त, 4 लाख मैं तुझे दे रहा हूँ, वापस 5 लाख करना, ये सूद हो गया, 1 लाख सूद हो गया 4 लाख। इसी तरह रिबा अलफ़ल एक होता है, वो अहदीस मुबारका में उसका जिक्र है कि नाप तोल में आने वाली हम जिन्स का बाहमी तबादला एक तरफ से ज्यादती की शर्त के साथ किया जाए कि भाई मैं तो तुझे 2 किलो दे रहा हूँ और तुझसे मैं 3 किलो मालियत की चीज़ उठाऊँगा, तो ये भी रिबा ही है। तो सूद जो है वो हराम है कतई तौर पर, बिल्कुल कतई तौर पर हराम है। ला ताकुलु रिबा, सूद ना खाओ, ये बात मुतलक है, बिल्कुल कुरान का हुक्म है कि सूद लेना, देना, गवाह बनाना, तहरीर करना, ये सारे के सारे गुनाह के काम है और हराम काम है। चाहे दारुल हर्ब में हो कि ना हो, चाहे काफिरों से लेन देन हो या मुसलमानों से हो, फिर तो यूं होगा कि भाई अगर हम काफिर मुल्क में चले जाएं तो नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, ये तो कोई बात ना हुई कि भाई मुसलमानों के यहाँ तो खंजीर नहीं खाएंगे लेकिन काफिरों के यहाँ खा लेंगे, मुसलमानों के यहाँ तो शराब नहीं पियेंगे काफिरों के यहाँ पी लेंगे, या काफिरों को शराब पिलाना इज़ ओके, मुसलमान को पिलाना जायज़ नहीं। कुछ लोग इस तरह भी सोचते हैं। ये सब अपने बनाए हुए मामलात हैं। जो चीज़ हराम कतई है वो हराम कतई है। अच्छा, कुरान करीम की एक आया मुबारका भी आपके सामने रख दूँ ताकि बात ये ज़रा वाज़े हो जाए कि सूद की हुर्मत मेरा भाई दोनों फरीकों, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के हक में साबित है कि मुसलमान के हक में तो जाहिर है और हरबी के हक में हुर्मत इसलिए साबित है कि काफिर हुर्मतों के मुखातिम है। देखिए ना, कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है, ये सूरतुन निसा की आया है, आया नंबर 161। अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है, وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا। और लेते हैं सूद जबकि रोक दिया गया था उनको इससे, और खाते हैं लोगों के माल नाजायज तरीके से, ये सजा दी गई और तैयार किया है हमने इनके लिए जो काफिर है इनमें से दर्दनाक अदाब, तो उनके लिए भी रोक दिया गया था, जो अहले किताब हैं उन्हें भी इससे रोका गया था। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम मामलात की रोशनी में ये बात वाज़े हो गई होगी कि सूद का लेना देना, ये तमाम मामलात सिर्फ मुसलमानों के दरमियान ही सूद जो है वो मना नहीं है, मुसलमान गैर मुस्लिमों से भी ऐसे मामलात नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।